नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में जब भी हम लोग काम करते हैं हमें बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, ये आप सभी को पता होगा। जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो या कोई स्टॉक बेच रहे हो उस पर आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। चाहे ब्रोकरेज आपकी बेशक जीरो, उसके बावजूद आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं। एंड अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको चार्जेस देने ही पड़ते हैं। बहुत सारे ब्रोकर आपको ऑफर करते हैं कि आप डिलीवरी मतलब इक्विटी में डिलीवरी में काम करना बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री ट्रेड कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी चार्ज लगते हैं। सिंपल मेथड और आसान तरीके से मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। केवल चार्जेस नहीं, मैं बात करूंगा यहाँ पे टैक्सेस के बारे में। देखिए चार्जेस और टैक्सेस दोनों अलग अलग है। पर्सनली काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार हम जब भी शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स दे तो रहे हैं, हम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन फी वगैरह दे तो रहे हैं, फिर अलग से टैक्स क्यों पे करना है? करना पड़ता है बाबूजी, करना पड़ता है। समझने की जानने की कोशिश करते हैं सिंपल सरल भाषा में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आप ट्रेड करते हो तो आप शेयर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, इस पे आपके चार्जेस लगते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, वो लगने ही लगने हैं, उससे प्रॉफिट लॉस से मतलब है ही नहीं। कुछ ब्रोकर आपको कहते हैं कि डिलीवरी में ट्रेडिंग फ्री है, ब्रोकरेज फ्री है, लाइक अपस्टॉक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी चार्ज लगते हैं। लाइक सेबी की फीस लगती है, एक्सचेंजेस की फीस लगती है, सिक्योर ट्रांजेक्शन फीस लगती है। अब तो ये सारे तीन चार तरीके के चार्ज जाते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे, कुछ खास नहीं होते हैं। और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हो तो हर ब्रोकर का वेरी करता है, किसी का 20 रुपए पर ऑर्डर है तो किसी का 20 रुपए पर लॉट है। पर लॉट और पर ऑर्डर में बहुत बड़ा फर्क है। कोई आपसे एक ब्रोकर कह रहा है कि मेरा 10 रुपए पर ऑर्डर है, सॉरी 20 रुपए पर ऑर्डर है, और कोई कह रहा है मेरा 10 रुपए पर लॉट है, तो हमेशा आप इस पे जाना 20 रुपए वाले पे। पता है क्यों? पर लॉट यानी कि आपने एक साथ दो लॉट में ट्रेड करा आपके 20 रुपए लग गए, तीन में करा 30 रुपए लग गए, लेकिन यहाँ एक बार में 10 लॉट भी लगा दो तो भी 20 रुपए लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता हूं मैं अपने वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट पे, टैक्सेस पे। सरकार को जो आपको टैक्स देना पड़ता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, क्योंकि बाजार में ये सारी चीजें कोई समझना और जानना चाहता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना उन्हें तो जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे तीन तरीके से काम होता है मार्केट में। एक होता है आपका कैपिटल यानी कि इक्विटी मार्केट में, जो आप आज खरीदते हो कल बेचते हो। दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव मार्केट में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे आप अभी खरीद रहे हो, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीने का होता है, मे बी 3 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एंड चौथा होता है आपका इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे की बात की जाए यानी आज खरीद के आज ही पोजिशन कट करनी है आपको, ये होता है इंट्राडे। अब अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप आज खरीद के आज ही बेच देते हो तो इंट्राडे में नहीं आएगा, ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग ही रहेगा। लेकिन कैश मार्केट में आपने आज खरीदा कल बेचा तो ये हो गया आपका इक्विटी मार्केट में डिलीवरी, ठीक है। आज खरीदा आज ही बेच दिया तो ये इंट्राडे काउंट होगा। अब इसको समझिए, इंट्राडे को अलग कर दीजिए, इक्विटी मार्केट को अलग कर दीजिए और अपना एफएनओ मार्केट को अलग कर दीजिए। तीनों में अलग अलग चार्जेस हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एफएनओ वाले को समझते हैं यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को मार्केट में एक बिजनेस का नाम दिया गया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए इसको, जो फ्यूचर एफएनओ में जो ट्रेड होता है उसको हम एक तरीके से बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है जी, कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं। मान के चलो एक साल के अंदर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या करा, लॉस कर लिया। और अगर आप लॉस कर लेते हो एक साल में, जो भी आपका लॉस होगा उस लॉस को आप अपने कोई भी बिजनेस कर रहे हो उस प्रॉफिट में से घटा सकते हो। मान के चलो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपका जो एफएनओ में लॉस हुआ है ना 1 लाख का, उसे आप उस बिजनेस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। दैट मींस आपका 5 लाख का ही प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 1 लाख आपने एफएनओ में गवा दिया है, तो आपको कोई टैक्स सरकार को देने की जरूरत नहीं है। एफएनओ का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपके बिजनेस प्रॉफिट और लॉस में इंक्लूड होता है, याद रखना, ठीक है जी। 4 लाख का प्रॉफिट आपका अपने बिजनेस से आया और 1.5 लाख का प्रॉफिट आपका कैपिटल मार्केट में एफएनओ के बिजनेस से आ गया, तो आपको 5.5 लाख यानी 50,000 रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट को। अब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG, यानी कि आपने मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक शेयर खरीदा कंपनी ए का 1,000 रुपए पे 1 जनवरी 2022 को। अब कंपनी ए का शेयर 2 जनवरी 2023 में कितने का हो गया, आप मान के चलो 1,200 रुपए का हो गया, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था तो 20% की गेन हो गया मेरे को, लेकिन मेरा 1 लाख पे 20% बनता है 20,000 रुपए।
मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैंने 10 लाख लगाया था, अब मेरा कितना गेन हो गया 10 लाख पे, 10 लाख पे हो गया मेरा 20%, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी, 10 लाख रुपए मैंने कंपनी ए के शेयर में 2022 1 जनवरी को लगाया, 2023 2 जनवरी को प्राइस हो गया स्टॉक का 1200 रुपए का, यानी 20% का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख का प्रॉफिट तो हट जाएगा, बचा हुआ 1 लाख पे 10% का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कितना? 10% का, यानी कि जो बचा हुआ 1 लाख बचा उसमें से 10% यानी 10,000 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% का है, 1 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट गया है उस पे आपको 10% पे करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैंने मान लो FY23 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20,000 रुपए का लॉस करा है, FY24 में मैंने प्रॉफिट कर लिया, तो मैं उसे एडजस्ट कर सकता हूं लास्ट ईयर के, ऐसे 8 साल तक के लॉस को मैं एडजस्ट कर सकता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, आगे बात की जाए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये क्या होता है? ये वो प्रॉफिट है जो आपने आज खरीदा, 3 महीने में बेच दिया, 4 महीने में बेच दिया, 5 महीने में बेच दिया, यानी 12 महीने से पहले बेच दिया, इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, गेन लॉस और प्रॉफिट कहते हैं। अब इसका क्या होता है, कैपिटल गेन पे तो लगेगा 15%, यानी कि आपने, और यहां कोई 1 लाख रुपए की छूट नहीं है, आपने पूरे 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट करा, 15% सरकार को दे दो, यानी 30,000 रुपए। वहीं आपने लॉस कर लिया अगर, तो ये भी अगले 8 साल तक एडजस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ, ये सबसे अच्छी बात है। आगे लास्ट, जैसा कि मैंने बताया इंट्राडे, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव मार्केट, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता, ये इंट्राडे के साथ ही हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं आपने लॉन्ग टर्म में कमाया था 10,000 रुपए, यहाँ गवा दिया इंट्राडे में 10,000, तो एडजस्ट करने की कोशिश करो, नहीं होगा, ये इंट्राडे के साथ ही होगा। और यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो आपकी स्लैब के हिसाब से लगेगा कि आप कौन से स्लैब में आ रहे हो, तो इंट्राडे को पूरी तरीके से अवॉइड करें टैक्सेस के चक्कर में भी, और FNO के ट्रेड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 लाख का लगता है। होप आपको इस सारी टैक्स से भरी जानकारी पसंद आई होगी, एक स्लैब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।